मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। जिस तरह से CAA NRC NPR के खिलाफ जो है मुमरा के शाहीन बाग में आज 63 दिन हो गया यहां पर जो है विरोध प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन जिस तरह से कोरोना वायरस का खतरा अब बढ़ते ही जा रहा है और धारा 144 भी लगी हुई है, इसको देखते हुए जो है मुमरा पुलिस की तरफ से जो है आज इस प्रोटेस्ट को जो है यहाँ पर स्थगित किया गया है। हालांकि जानकारी दी गई है कि ये 15 से 20 दिन तक जो है इसे स्थगित किया गया है जब तक कोरोना वायरस का खतरा कम ना हो जाए, और उसके बाद ही फिर यहाँ पर प्रोटेस्ट करने की इजाज़त दी जाएगी। बहरहाल यहाँ से जो है महिलाएं वो जा चुकी हैं और जो यहाँ के जिम्मेदार लोग थे वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं कि क्या पुलिस ने कहा है आप लोगों से ये प्रोटेस्ट जो है हटाने के लिए, स्थगित करने के लिए। देखो, पहली बात तो ये कि पूरे मुल्क में एक बहुत बड़ा बवाल आया हुआ है कोरोना वायरस के नाम का, तो एक फिक्र तो है हमारी, थी इतने दिनों से, बहुत दिनों से चल ही रहा था मामला कि ये कोरोना वायरस का अल्लाह ना करे कोई मामला यहाँ आ जाए, क्योंकि मुमरा हमारा जो शहर है ये 12 से 13 लाख की आबादी वाला 3 किलोमीटर के एरिया का शहर है। कभी खुदा ना खास्ता अगर हो जाता है तो बड़ी सीरियस मामले होंगे, और हमारे पास यहाँ के मुमरा के हिसाब से जो ना इतनी सहूलत नहीं है, इतने ICU के बेड भी नहीं है कि हम लोग को इमरजेंसी टैकल कर सकते थे। इसलिए हम लोग ये पहले से फैसला कर रहे थे, 4 दिन से हमने इसको कंट्रोल में लेके आ गया। रोज़ जो 800,000 औरतें आके बैठती थी माशाल्लाह प्रोटेस्ट में, जिंदाबाद मुर्दाबाद करती थी, उनको हम लोग ने कंट्रोल में 200 कर दिया था। फिर पिछले 2 दिन से हमने उसको 100 में लेके आ गया था, और आज हमने जो है ना इसको जैसा कि जनता कर्फ्यू था उसका पालन करते हुए टोटली जो है ना हमने इसको बंद करके इस पर्दे के अंदर जो है ना हमारी एक 15-20 जो है ना मखसूस माँ बहनों को बिठाया था। लेकिन उसके बाद में फिर जैसे कि इतने दिनों से हमारा प्रोटेस्ट चला, पुलिस का नहीं चाहते हुए भी हमको बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, अनऑफिशियली उनको उन्होंने हमको बहुत अच्छे से संभाला और हम उसका उनको शुक्र अदा करते। अब लेकिन जो है ना पुलिस और प्रशासन के ऊपर एक प्रेशर है कि ये बीमारी को फैलने से रोका जाए, और ऐसे टाइम पे अगर हम उनका साथ नहीं देते तो ये उनके साथ में गलत कर हो जाता। इसलिए हम लोगों की कमेटी ने मीटिंग ली और फौरन फैसला किया कि भाई जब तक के ये कोरोना वायरस का अजाब जो है ये हिंदुस्तान की सरजमीन से कम नहीं हो जाता तब तक के हम लोग जो इसको स्थगित करेंगे, पोस्टपोन करेंगे। अच्छा, पुलिस स्टेशन की तरफ से और क्या कहा गया? जिस तरह से हमने अंदर की तस्वीरें देखी है कि जो महिलाएं, करीब 18 महिलाएं जो है वहाँ अपना चप्पल जो है वो रख कर गई हैं, तो ये जो लगा हुआ है शामियाना जो लगा, क्या वो इसी तरह से लगा रहेगा और वो दोबारा इसमें आकर प्रोटेस्ट करेंगी? बिल्कुल, देखो हमारा मकसद जो ये शामियाना ये और ये जो शाहीनबाग बनाने का था, वो मकसद ये था कि हम लोग जो है ना NRC NPR और CAA के ख़िलाफ़ है, और हम खाली नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हर जगह जो है ना इसका प्रदर्शन चल रहा था और चल रहा है बाकायदा, समझे? तो हम उसके खिलाफ चल रहे थे, लेकिन फ़िलहाल मैंने जैसे बताया कि एक बीमारी का बवाल आया है, इसलिए हम लोग इसको फ़िलहाल पोस्टपोन कर रहे हैं। हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा, ये काम फ़िलहाल रुका हुआ है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो वॉलंटियर है, वो कोरोना वायरस की बीमारी से झेलने के लिए जो हमारे शहर के भले में जो काम हो सकता है वो करने के लिए कल से दिन रात एक करने वाले। आगे और जिस तरह से अगर 20 दिन 15 दिन का टाइम दिया गया है, अगर इससे भी ज़्यादा समय जाता है तो क्या होगा? 2 दिन में ये बला चली जाती है या 2 महीने लगते हैं? हम पूरी तरह से जो है हमारे पूरे देशवासियों के साथ में, हम सरकार के साथ में, वो सरकार किसी की भी हो, हम उनको पूरा साथ देने तैयार है, हम उनकी पूरी मदद करने तैयार है। हम कुर्सी पे टांग डाल के बैठ के रिक्वेस्ट करने वाले लोगों में से नहीं है। रात के 2 बजे आपको हम इंटरव्यू दे रहे हैं क्योंकि हमको फिक्र है हमारे शहर की। अच्छा, जिस तरह से देखा गया महिलाएं जो है निकल के थोड़ी जल्दी में चली गई, तो आप लोगों ने महिलाओं से बात किया तो महिलाओं का क्या कहना था इस प्रोटेस्ट को लेकर, कि क्या वो मतलब स्थगित करने को तैयार थी या नहीं तैयार थी? नहीं, देखिए 2 दिन से हम जहन तो बना ही रहे थे कि हमको इसको कम से कम में करना है, लेकिन आज अचानक में जैसे कि माहौल ऐसा ख़राब हुआ है और महाराष्ट्र भर में जो 144 धारा लागू कर दी गई, तो वो हिसाब से हमने बेहतर समझा, और फिर हमको पुलिस स्टेशन से भी ये बात आई कि भाई अगर ये कर देंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो हमको ज़बरदस्ती कुछ करनी पड़ेगी। तो हम लोगों ने फैसला किया कि ये ठीक नहीं है, ऐसे हालात में अगर हम उन लोगों का साथ नहीं दें जो बीमारी से लड़ने की कोशिश कर रहे तो फिर हमारी देशभक्ति पे निशान शक हो जाता, इसलिए हम लोगों ने तो नहीं कि ये कुछ राजनीतिक प्रेशर रहा हो उसकी वजह से जो है ये
किया गया हो? देखिए, एक बात तो पहले सुन लीजिए कि यहाँ पर पहले दिन से कोई राजनीतिक प्रेशर नहीं था, ना है और ना आगे कभी होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना एकदम ऐसे लोग जुड़े हुए, आज पहली बार जो है ना हम सामने आके ये इंटरव्यू देने को मजबूर है क्योंकि लोगों को हकीकत बताना था, वरना यहाँ पर ऐसे लोग जुड़े ना जो पहले शहर में कभी कहीं किसी काम में दिखते नहीं थे पब्लिक लाइफ में। यानी इस जो स्थगित किया गया इस पर कोई राजनीति का प्रेशर नहीं था, जो कोरोना वायरस है इसको देखते हुए आप लोगों ने ये कदम उठाया है? मैं आपको साफ अल्फाज में बोल रहा हूँ कि किसी राजनीतिक पार्टी में या किसी राजनीतिक पर्सनालिटी में या किसी नेता में हिम्मत अगर होती तो ये पूरे 62 दिन में किसी दिन आके यहाँ पर रोकने की कोशिश करके दिखा देता। तो इसका मतलब ये था कि कोई राजनीतिक पार्टी या पर्सनालिटी वो खुद भी नहीं चाह रही थी कि इस मुहिम को रोके, क्योंकि उनको मालूम था कि ये माइनॉरिटी बहुल इलाका है, यहाँ पर अगर इसके खिलाफ जाएंगे तो वो आगे चल के उनके खिलाफ चलेगा मामला। तो वो मामला पहले से नहीं था, ना आज है ना आगे चलकर होगा। ये फ़िलहाल हमने पोस्टपोन किया है कोरोना वायरस के वजह से। कल से यहाँ के जितने लोग इस शाहीनबाग से जुड़े हुए थे, कल से वो पूरे शहर भर में जो है ये कोरोना वायरस को लेके जितना हो सकेगा उतना लोगों की खिदमत में लग जाएंगे, और जब भी ये बवाल देश से हटेगा फिर इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो ये शाहीनबाग कायम हो जाएगा। आप क्या कहेंगे जिस तरह से यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा था और आज स्थगित कर दिया गया? कोरोना वायरस का जो मसला है वो एक हकीकत है, ना तो इसके भय फैलाया गया है ना खौफ दिलाया गया है, हकीकत सूरत हाल है। इस वक्त मुल्क सेकंड स्टेज पर है और ये मेडिकल टीम ने डिक्लेयर कर दिया है कि हम सेकंड स्टेज पर हैं, अगर सेकंड स्टेज पर हमने कंट्रोल कर लिया तो हम देशवासियों को बचा सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में मुल्क के साथ में खड़े होना और देश को बचाना इस मुसीबत से हम सब की जिम्मेदारी थी, और ये पूरी मुहिम देश को बचाने के लिए चल रही थी शाहीनबाग की, इसलिए हमने इस मुहिम को का हिस्सा कोरोना वायरस को बना दिया है कि ये भी देश बचाने का काम है, इसलिए इसको स्थगित किया गया है देश के हित में और देश को बचाने और देशवासियों को बचाने के लिए। तो आपने सुना कि जिस तरह से यहाँ पर जो है मुमरा का शाहीन बाग था, आज ये जो है प्रोटेस्ट यहाँ पर जो है स्थगित कर दिया गया है। हालांकि जिस तरह से कयास लगाया जा रहा था कि शाहीन बाग पर जो है कुछ राजनीतिक प्रेशर पड़ रहा है, राजनीतिक दबाव पड़ रहा है, लेकिन जो यहाँ के जिम्मेदार हैं उनका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बहरहाल जिस तरह से कोरोना वायरस ये लेकर जो कोरोना वायरस जिस तरह से एक गंभीर मसला बना हुआ है और लगातार इसकी संख्या बढ़ती जा रही है और धारा 144 भी लगी हुई है। हालांकि यहां से महिलाएं जो हैं अब निकल कर चली गई हैं, लेकिन वो अपनी चप्पलें जो है उसी जगह पर छोड़ कर गई हैं, यानी जब भी कोरोना वायरस का खतरा कम होता है वो दोबारा जो है यहाँ पर CAA NRC NPR के खिलाफ जो है अपनी आवाज़ बुलंद करेंगी। कैमरामैन सलमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।